गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वंशिका तोमर व्लॉग। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि मैं इतनी डिम डिम सी लाइट में यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं, देखो कैसे खड़े हुए हैं हम अपने गाँव में घर के बाहर आके। और हमने गेट ओपन कर दिया है, मेन डोर ओपन किया हुआ है प्रॉपर, और ढोल वाले भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे एक गुड न्यूज आई है। एक फैमिली मेंबर इंक्लूड हो गया है, तो मेरे फैमिली में एक फैमिली मेंबर और आ गया है, तो उसी के लिए हम सब वेट कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अभी अभी आए हैं वो गाइड, हाँ अभी अभी आ रहे हैं घर पे, तो हम उनका वेट कर रहे हैं, भैया भाभी को लेने गए हैं। तो मैं बुआ जी बन गई हूँ, बुआ आएंगे अपने फैमिली मेंबर को। हाँ, लड़के को भी दिखाऊंगी और फिर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी उसको आज ही देखने वाली हूँ। मैंने सिर्फ फोटो देखा है उसका, बट रियल में मैं उसको आज देखूंगी, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में थे 2-3 दिन से, भाभी का ऑपरेशन हुआ है जैसे, तो इस करके आज डिस्चार्ज हुआ है उनका, तो फिर वो आएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ओके गाइस, दिखा रही हूँ जो मुझे माधव ने दिए। माधव तुम मेरी बहुत मजाक बना रहे थे, बोलो। नहीं बोलो बोलो, पता है मैं बोल रही हूँ ना हेलो गाइस, तो ऐसे करके बोल रहा है हे गाइस, मेरी कॉपी कर रहा है गंदा। पापा के हाथ में मिठाई का डब्बा है और ये सबको खिला रहे हैं लड़की की खुशी में। तो लड़की भी होती तो उसकी भी खुशी होती, बट जो आया भगवान की तरफ से उसकी ही खुशी है, बच्चा तो आया ना, सब कुछ नहीं कि सिर्फ लड़की की खुशी है। बच्चा, ये हमारा फैमिली का न्यू मेंबर, वेलकम टू तोमर फैमिली, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं बुआ बन गई अब, ओ कैसे कुछ रहा अंदर को, ठंडी लग जाएगी। बुआई तो लगूंगी ना इसकी, फुआ नहीं बुआ, हाँ ये मेरी दादी अम्मा है फुआ, और ये बच्चे की माँ जो बहुत गंभीर अवस्था में है। हेलो, thank you।
कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, अब बजेगा हमारे यहाँ पे डीजे। सुनाऊंगी बहन आई को छत पे, बदतमीज, ये हमारे घर के शिक्षित बच्चे, हम सबसे बड़े शिक्षित। हाँ वही तो दिखा रहे हो, बहुत खुश हो है? खुश हो आप? हाँ, अच्छा आज आप कौन बन गए? कौन बन गए आप? कौन बन गए आज आप? कौन बन गए आप आज? परदादा पढ़ लग गए? पहले तो दादा ही थे, अब परदादा बन गए, है ना? खुश हो आज आप बहुत, आज तो आप नाचे भी हो। घड़ी भी हो गया मुझे, थोड़ा जो खुशी रहूंगा। मैं तो एक बात सुन ले। हाँ सुना दो। तेरे लोग देख रहे हैं। मेरे लोग को। हाँ। इनका काम तो हो गया। अच्छा। भगवान ने पूरा कर दिया। अच्छा। हाँ। अब तेरा रह गया बस। ठीक है। आज तू कौन बन गया? जी रहा है। आज मामा। मामा? वो पागल है क्या? चाचा। चाचा बना बोल रहा, मामा बन गया। और दादाजी को तो पढ़ लग गए आज। आज परदादा बन के खुश हो रहे हैं बहुत, है दादा? खुश हो ना? हाँ। मेरे को डांस नहीं आता, सबके सामने तो नाच नहीं पाती, अकेले में आके नाच रही है। नाचो नाचो, ओ गॉड, मजा आ गया। बार आप तो तुम बिना ढोल के भी नाच रही है मम्मी। ओ ओ ओ ओ वंश ऑल सेट हो चुका है सारा प्रोग्राम, हट जा। बूफर सेट हो चुके हैं, हमारा देसी वाला डीजे, यो यो। आज हम ये बजाएंगे। मैं बैठी हूँ किचन में और मैं कर रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट काम, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये है वाइट रसगुल्ले और मैं इनकी पैकिंग कर रही हूँ ब्लैक पॉलोथीन के अंदर। ये मुझसे रसगुल्ले डलवा रही है क्योंकि यही अवेलेबल थी घर पे, और ये डल रहा है गीतों वालों के लिए, मतलब जो संगीत में आई है हमारे यहाँ गीत गाने उनके लिए। देखो गाइस, काम पे लगाया है इनकी पैकिंग करने के लिए, बोरिंग काम है ना, फिर भी मैं इसको खुशी के साथ करूंगी क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, बिकॉज मैं आज पुआ बनी हूँ। और बाहर हो रहे हैं गीत, ढोलक बज रही है और गांव वाले गीत गा रही हैं औरतें, लेडीज फंक्शन। फिर से हमारे यहाँ की टॉप सिंगर ठाकुर दादी जी, ठाकुर दादी जी, और ये सब बैठे गीत गा रही है, खुशी मना रहे हैं। अरे ये बुआ जी बजा रही है, बैठा हूँ यहीं पर। मैंने खाना नहीं खाया तो मैं सोच रही हूँ मैं खाना खाने चली जाती हूँ। गाइस पता नहीं डांस कब तक होगा, मुझे आ रही है नींद, मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में सोने के लिए। तो गाइस अब मैं सो रही हूँ, तो अब बाकी का प्रोसेसर दिखाएंगे कल जो भी होता है, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं सो के उठ चुकी हूँ और आज हमारे यहाँ पे फंक्शन है, जैसे कि आप सबको पता ही है, पहले से मेरे भाई की बेटा हुआ है और मैं बुआजी बन गई हूँ, तो उसी के लिए आज फंक्शन है घर पे। तो मैं उठ चुकी हूँ सो के, और हम छुटकू को ना एक गिफ्ट भी देने वाले, मतलब दादी की तरफ से, तो मैं दिखाती हूँ वो क्या है। ओके, गाइस हम मतलब मम्मी लेके आई है उसके लिए कपड़े, बट दिए जाएंगे दादी की तरफ से क्योंकि दादी बेचारी थोड़ी बुढ़ी सी है तो वो जा नहीं पाती। हाँ जी, ये भी सो का ही है, और दादी नोट गिन रही है, सो का है, सो का है, क्या है देखो। ये देखो कितनी नोनी सी ड्रेस है, नोना सा प्यारा सा कैप, कुछ कुछ सा इसमें ये है। तो ये हम उसको देने वाले हैं, ये कैप है उसकी, और ये सॉक्स है छोटे छोटे से, और ये छोटा ला सा बलियानल है। ये देखो कितना छोटू सा है, नूनू सा, कितनी प्यारी लगती है ना बच्चों की चीज छोटी छोटी सी। और ये उसकी टॉवल है, इस पे भी क्यूट सा बन रहा है, देखो क्यूट। एंड ये उसकी नोनी सी पामी लोवर, देखो गाइस ये उसके सारे कपड़े हैं जो हमारी मतलब दादी की तरफ से जा रहे हैं, आज वो यही पहनेगा फंक्शन में, यही कपड़े पहनेगा ना माँ जी? हाँ यही पहनेगा, भिन्ना यही पहनेगा। और एक और चीज है, नजरिया बोलते हैं इसको, कनुली ये भी पहनेगा। हाँ, तबली और नजरिया,
ये देखो, ये तो तगड़ी होती है, यही तगड़ी होती है ना? हाँ ये तगड़ी होती है। चक्कू, हाँ चक्कू लाया है, प्लास्टिक का चक्कू है। ये देखो इसमें चक्कू, एंड ये नजरिए है, ये उसके हाथों में बनेंगे, हाथों के ब्रेसलेट, जिससे उसको नजर नहीं लगेगी। है कुछ ओल सेट है, मैं उठ चुका हूँ और मैंने मतलब आपको जो कपड़े दिखाए हैं वो जा रहे हैं दादी की तरफ से, वो 7 कपड़े हैं, मतलब जोड़ा मिला के पता नहीं क्या मिला के देते, 5 या 7, ठीक है, 11, मतलब यही शुभ नंबर बताए जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग दिए हैं। अब मैं उठ गई हूँ, देखो मेरी आंखों में हल्की हल्की सी नींद ही है, तो अब मैं जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे कि क्या क्या होने वाला है आज घर पे, ठीक है गाइज, बहुत मजा आने वाला, तो बने रहिएगा, जाइएगा मत कहीं, ओके गाइज। पूजा की पूरी तैयारी की जा रही है और ये सत्ती बन रही है, ये दादी जी बना रही है, और फिर इसमें स्टिक्स एड ऑन की जाएंगी। तैयार हो चुकी है अपने कुआ पूजन के लिए, अपने शादी का लहंगा पहना, पर बिल्कुल शादी वाली तरह नहीं लग रही आज तुम। आज आपका मेकअप नहीं हो इस वजह से या क्या रीजन है? क्योंकि आप नहा ही नहीं हो बहुत दिनों से। रीजन ये है। हाँ गाइस, बेचारी इस खाट पे लेटी होती है यहाँ पे, खाना भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि खाना नहीं मिल रहा है ना। हाँ ठीक है गाइस, अब हम आगे का प्रोसेसर भी दिखाएंगे, ठीक है। आजा बेटा भी तैयार हो चुका है, ये देखो इसने लाल वही वाला टोपा लगा रखा है, देखो मैं दिखाती हूँ प्रॉपर बैक कैमरे से। तो गाइस क्यूट वाला कैप और ये इसने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई है वो वाली। अरे मेरी बुआ की गोदी में बैठा हुआ है, मेरे साथ खेल रहा है। पूजा के लिए गीत भी गाए जा रहे हैं और यहाँ पर सब कुछ सेट हो चुका है, अब चौकी रखी वो बन चुका है, ये देखो दोनों साइड से बना है, सब कुछ रेडी हो चुका है, बस भाभी का इंतजार हो रहा है। बच्चा परेशान इतना करता है, बस वो आएंगी अब, फिर स्टार्ट होगा जो भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, मजे आ गए। तुझे पैसे भी नहीं गिनने आते, इसमें 100 का नोट दिख रहा सीधा सीधा, 1200 बता रहा, दिखा ऐसे करके दिखा कितने मिले, एक मिठाई का डब्बा, गोला और कपड़े, मजे आ गए हैं। कार्यक्रम खत्म हो गया, अब दाने डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, इसको प्रसाद बोलते हैं, और देखो मस्त चीज, इसमें भी पैसे लगे हुए हैं,
देखो गाइस, आप ये सब अपने अपने घर चली जाएंगी, अपने घर चले जाएंगे। ओके गाइस, इस आज के ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग। लव यू गाइस, बाय बाय।